ट्रैविस हेड जो है, ट्रैविस हेड बच्चे कूदे विकेट के पास से निकली, लेडी लक ने जरूर उनका साथ दिया आज, पर लेडी लक भी जब आपका साथ दे उसके बाद आपको पूरी तरह से वो निचोड़ना पड़ता है। आज उन्होंने निचोड़ा है वीरू, क्या पारी खेली उन्होंने आज, कमाल की पारी। स्टार्टिंग में ऐसा लगा जूझ रहे थे, बच रहे थे, इनसाइड एज लग रहे थे, बीट हो रहे थे बहुत भारी, लेकिन एक बार जैसे वो 10 ओवर का पड़ाव पार हुआ और स्पिन आई, थोड़ा टच में आया और उसके बाद उन्होंने गेम खत्म। उन्होंने दिखाया बीच के ओवरों में बाउंड्रीज मारी जा सकती है, रन बनाए जा सकते हैं उतनी तेज जितनी तेज आप चाहो। कमाल की पारी रही ट्रेवर साइड की, मतलब एक शायद इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें जाने नहीं दिया, इंजर्ड थे उनको रखा 15 में क्योंकि ऐसा कारनामा करने वाले थे। दूसरा शतक है वर्ल्ड कप में इनका, एक जिसमें पहले कमबैक की जब इंजरी के बाद आए न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था, और एक आज भारत के खिलाफ सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच और फाइनल के भी मैन ऑफ द मैच। ये ऑस्ट्रेलिया के जिमी अमरनाथ हैं बिल्कुल। तो वो मतलब ऐसी सूझबूझ वाली पारी कहूंगा, मतलब फ्रीली खेले बिल्कुल, कोई उनके ऊपर ऐसा लगा नहीं कि एक टाइम भी दबाव था सिवाय पहले 10 ओवरों के। भारत के लिए जो अच्छा गया वो सिर्फ पहले 10 ओवर थे बैटिंग के, उसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं गया भारत के। दैट्स राइट, आई थिंक इसकी बात भी, आई मीन एक तो बढ़िया खेले हैं, और देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के जिमी अमरनाथ हैं क्योंकि उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप में ये किया था सेमीफाइनल और फाइनल में। और एक और बात यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया के या मोहम्मद शमी इंडिया के ट्रेविस हेड हैं, क्योंकि वो भी सेम था, पहले 5 मैच नहीं खेले और फिर आए उसके बाद तबाही मचा दी। ट्रेविस हेड ने भी ये किया, पहले 5 मैच नहीं खेले। आई थिंक ये उनके अभी उन्होंने जो भरपाई करी है उस फेथ की जो ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया, आप ऑलमोस्ट आधे लीग में अवेलेबल नहीं है फिर भी आपको रखा है इसलिए। और देखिए जो आपने शामी की बात करी ना, वो एक अलग कारण से नहीं खेले या यहाँ पर आप, और ये खिलाड़ी को पिछले 1.5 साल से जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया है उसी के चलते रखा गया है ना। टीम मैनेजमेंट हो, कोच हो, कप्तान आपको बैक कर रहे हैं क्योंकि आपने उस तरीके का खेल दिखाया है। और केवल यहाँ नहीं, इससे पहले भी जो कुछ मुकाबले वीरों, जैसे कहा पिछला सेमीफाइनल, और बल्लेबाजी तो एक चीज, जिस तरीके का कैच आज पकड़ा, तो ये दर्शाता है कि वो टीम का अहम हिस्सा है। और अच्छा लगता है जब आप इस तरीके की चीज़ होती है कि आप बैक कर रहे हो उस खिलाड़ी को, पहले कुछ मुकाबले नहीं खेले और उसके बाद जब जरूरत पड़ी तो इस तरीके से खेले। कि एक मेरे को रिकी पॉन्टिंग का शतक याद आता है, एडम गिलक्रिस्ट का शतक आता है, ये भी शतक ना कुछ उस प्रकार का शतक था कि 3 आउट हुए हुए थे, पहले 10 ओवर में गेंद हिल रहा था और उसके बाद जिस तरीके से खेल के गए काबिले तारीफ। बिल्कुल डोमिनेट किया उन्होंने मिडल ओवर्स को, ऐसा नहीं लगा। अगर हम देखें एक तरीके से कह रहा था कि हेड ने ना कमर तोड़ दी, बिल्कुल ठीक है, गर्दन मरोड़ दी, कमर तोड़ दी, एनर्जी भी पूरी कम हो गई थी। एक बिलीफ जो था उनकी बैटिंग जब चल रही थी, एक बिलीफ पूरे स्टेडियम में जो भी लोग टीवी पे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये अगर अभी जल्द आउट नहीं हुए तो ये मैच लेके चले जाएंगे, इस तरीके की पारी खेल रहे थे। और ऐसे ही होता है ना, जो स्ट्रोक प्लेयर होते हैं अगर वो आउट हो गए जल्दी तो ठीक है, नहीं आउट हुए तो फिर वो मैच को बड़ा आसान कर देते हैं अपनी टीम के लिए। और ट्रेविस हेड ने भी वैसा ही किया, जब स्पिन आई तो मुझे लगा शायद एक वो जडेजा की टर्न हुई एलबीडब्ल्यू की अपील, बट वो एक ही बॉल थी, उसके अलावा पूरे स्पेल में जडेजा और कुलदीप यादव के वो ऐसे लगे ही नहीं कि कहीं वो उनको आउट हो सकते हैं, बड़े आराम से सिंगल ले रहे थे। जब दिल किया स्लॉग स्वीप का छक्का लगा दिया या कट का चौका लगा दिया, तो यही खास बात होती है अच्छे खिलाड़ी की, और वो कहते हैं गुड से ग्रेट बनने की यही निशानी है। और ट्रेविस हेड का भी कैरियर बहुत यंग है और इनमें पूरी क्षमता है गुड से ग्रेट बनने के लिए। मतलब खुद यंग नहीं है पर करियर यंग है, क्योंकि आए थे फिर टीम से बाहर थे बहुत साल, और जब वापस आए हैं तो अब नहीं लगता कि रिटायर होने तक वो कहीं जा रहे हैं, इस टीम का हिस्सा ही नहीं अहम हिस्सा रहेंगे, अब तो इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम लिख दिया है सुनहरे अक्षरों में। तो ट्रेविस हेड तो कहीं नहीं जा रहे।